कहते हैं माँ बनना दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है, लेकिन काइंड फॉर इन्फॉर्मेशन, माँ बनने की जो जर्नी है वो इतनी आसान भी नहीं होती है। बहुत सारे महिलाओं में शारीरिक और मानसिक बदलाव होते हैं, जैसे महिलाओं को शारीरिक और मानसिक बदलाव के कारण बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, जैसे चिड़चिड़ापन होना, उल्टियां होना, जी मचलाना, कुछ खाने की इच्छा ना होना, कई बार किसी किसी चीजों से ईक टाइप के आ जाना, या बहुत जल्दी इरिटेट हो जाना, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। इसके बाद में जो सबसे बड़ा चेंजेस होता है वो ये होता है, जैसे कि महिलाओं को या लड़कियों को सबसे ज्यादा अपने आप से प्यार होता है, अपनी बॉडी से प्यार होता है, लेकिन जब वो माँ बनती है, जब वो प्रेग्नेंट होती है, तो वो इन सब चीजों को सेक्रीफाइस कर देती है, मतलब अपनी लाइफ को बिल्कुल सेक्रीफाइस करके सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रेगनेंसी पे ध्यान देती है, अपने होने वाले बच्चे के लिए जितना अच्छा वो कर सकती है वो उतना अच्छा कोशिश करती है करने की। तो बहुत सारे शारीरिक बदलाव आते हैं, जैसे बॉडी में स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, कई बार बहुत ज्यादा रैशेज आ जाते हैं, ईचिंग होने लगती है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा बदलाव होता है शारीरिक तौर पर, वो होता है कि महिलाओं का बढ़ा हुआ वजन, मतलब मोटापा हो जाना, और महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान ही इस चीज को लेके बहुत ज्यादा टेंशन ले लेती हैं, बहुत ज्यादा सोचने लगती हैं कि क्या हम प्रेगनेंसी के बाद हमारा ये वेट लॉस हो पाएगा, हमारा ये जो वजन है बढ़ा हुआ ये कम हो पाएगा, क्या मैं पहले जैसे दिखने लगूंगी, जैसे मैं शादी के पहले या जब मेरे बच्चे नहीं थे उसके पहले दिखती थी। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी होने वाली मॉमी को बहुत ज्यादा सताती है या परेशान करती है। तो इन्हीं में से एक बहुत कॉमन सी समस्या है कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती माताओं को या हमारी होने वाली मॉमी के पैरों में सूजन आ जाना, जिससे बहुत सारी गर्भवती माताओं को प्रेगनेंसी के दौरान परेशानी होती है। मतलब 90% हमारी ऐसी गर्भवती महिलाएं हैं या हमारी ऐसी मॉमीज हैं जिनको प्रेगनेंसी के दौरान पैरों में सूजन जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। पैरों में सूजन आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कुछ तो बहुत ज्यादा गंभीर भी हो सकते हैं, इसीलिए हमको पैरों में सूजन आने को ज्यादा लाइट नहीं लेना है, मतलब बहुत ज्यादा हल्के में नहीं लेना है। जैसे ही पैरों में सूजन आती है तो हमें उसको डॉक्टर को दिखा के जल्द से जल्द ट्रीट करना है, क्योंकि हो सकता है कि पैरों में सूजन आने की समस्या गंभीर रूप ले ले, या इसके कारण हमें कोई गंभीर समस्या हो जाए, या फिर हमको कोई गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ जाए। तो आज मैं आपको जो हमारी गर्भवती माताएं हैं, मतलब जो हमारी होने वाली मॉमीज हैं, उनको प्रेगनेंसी के दौरान पैरों में सूजन क्यों आती है, इसका क्या कारण है, इसके लक्षण क्या हैं, और ये कितना खतरनाक हो सकता है आपके लिए, और अगर पैरों में सूजन आ रही है तो इसके घरेलू उपचार क्या है, हमें डॉक्टर से कब मिलना चाहिए, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगी। तो चलिए जल्दी से अपना वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि रात के 3 बज रहे हैं, 3 बजे मैं आपके लिए अपना वीडियो शूट कर रही हूँ। तो बिना किसी देरी के फटाफट अपना वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज नीचे दिए हुए बेल बटन पे प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे मैं जितनी भी न्यू हेल्थ रिलेटेड वीडियो अपलोड करती हूँ अपने चैनल में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, उनके नोटिफिकेशन आपको बिना किसी देरी के मिल पाए। नमस्कार, मैं हूँ दीपा, वेलकम बैक टू जर्नी वुमन एंड बेबी हेल्थ केयर। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान जो हमारी मॉमीज हैं उनके पैरों में सूजन आने का सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि प्रेगनेंसी के दौरान हमारी जो बॉडी होती है उसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और हमारा शरीर जो होता है वो हमारे गर्भ में पल रहे शिशु की जरूरत को पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा पानी और एक्स्ट्रा फ्लूड बनाने लगता है, जिसके कारण भी प्रेगनेंसी के दौरान पैरों में सूजन आने लगती है। इसके बाद सेकेंड कारण हो सकता है कि जैसे जैसे हमारा प्रेगनेंसी का दौर आगे बढ़ता है, वैसे वैसे जो हमारे गर्भ में पल रहा शिशु है उसका वजन भी बढ़ता है, तो जो गर्भाशय है और जो बच्चा है हमारे पेट में, उसका जो प्रेशर है, मतलब जो उनका वेट बढ़ रहा है, तो उनका जो दबाव है वो हमारी नसों पे पड़ने लगता है। इसकी वजह से नसों की जो दिल में खून को वापस ले जाने की जो कैपेसिटी होती है, मतलब जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो जो हमारी कैपिलरीज से जो ब्लड सर्कुलेशन वापस जाता है हार्ट तक, उसमें प्रेशर पड़ने लगता है, उसकी जो आर्टरीज होती हैं, उसकी जो नसें होती हैं, उसमें प्रेशर पड़ने लगता है, जिसके कारण जो ब्लड फ्लो है बहुत स्लो जाता है, और ब्लड फ्लो धीमा होने से हमारी जो ब्लड वेसल्स है उनमें प्रेशर पड़ने लगता है, मतलब दबाव बनने लगता है, जिससे जो हमारी ब्लड कैपिलरीज की जो ब्लड फ्लो को वापस ले जाने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण जो ब्लड फ्लो होता है वो भी कम हो जाता है। यही कारण बनता है हमारे पैरों में सूजन आने का। तो अब हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से घरेलू उपाय हैं जिनका उपयोग करके आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अपने जो पैरों में सूजन आ रही है उसको कम कर सकते हैं, इससे आराम पा सकते हैं।
सबसे पहले देखिए डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए, डॉक्टर के पास आपको कब जाना है मैं वो भी आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी अगर पैरों में सूजन आ रही है तो आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय हैं जिनको अगर आप अपने ऊपर अपना लेती हैं तो आपको जो पैरों में सूजन आने वाली समस्या है उससे काफी हद तक आपको रिलैक्स मिल सकता है। जैसे सबसे पहले अगर आपके पैरों में सूजन आ रही है तो आपको लंबे समय तक एक जगह पे खड़े होकर काम नहीं करना है, मतलब लंबे समय तक आपको स्टैंडिंग वाली पोजिशन को नहीं अपनाना है। आपको हमेशा समतल जमीन पे, मतलब आपकी उबड़ खाबड़ जमीन ना हो, आप गिरे ना, आपको समतल जमीन पे हील नहीं पहननी है, स्लीपर पहनिए, या फिर अगर टाइल्स आपकी स्लिप होने वाली तो इस चीज का ध्यान रखिए। आप नंगे पैर भी समतल जमीन पे चल सकती हैं, घूम घूम कर आप अपना हल्का फुल्का काम कर सकती हैं। आपको टोटल बेड रेस्ट नहीं करना है, ये मिथ है जिसको मैं अभी क्लियर कर देती हूँ कि बहुत सारी गर्भवती माताओं को ये लगता है कि अगर हम कुछ काम करेंगे, कुछ हैवी वर्क करेंगे तो हमारा जो होने वाला शिशु उसको कुछ नुकसान हो सकता है, तो ये बहुत ही गलत है। प्रेगनेंसी के दौरान जब तक डॉक्टर्स आपको कोई कॉम्प्लिकेशन ना बोले तब तक आपको बेड रेस्ट नहीं करना चाहिए। आप जितना प्रेगनेंसी के दौरान काम करेंगी आपके लिए उतना बेनिफिशियल है। हाँ, आपको कोई ज्यादा ऊंचाई वाली चीज में नहीं चढ़ना है, मतलब आपको बार बार सीढ़ी उतरना चढ़ना नहीं है, आपको एक्सीडेंट से बचना है, मतलब आपको कोई भी चोट लगने वाला काम नहीं करना चाहिए, कोई भी ज्यादा भारी चीजें नहीं उठाना चाहिए, हील नहीं पहनना है क्योंकि उससे पोस्चर भी खराब होता है और फिर पैरों पर कमर पे प्रेशर पड़ता है बच्चे का, तो वो चीज आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको पैरों में सूजन आती है तो जब भी आप बैठती हैं तो नॉर्मल पोजिशन में ना बैठ के आप हमेशा अपने पैरों को ऊपर करके पैरों के नीचे दो तकिया लगाकर बैठिए, जिससे जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो वापस पैरों की तरफ आएगा और आपके जो पैरों में सूजन है उसमें काफी हद तक आपको रिलैक्स मिल जाएगा। इवन आप जब नाइट में सो रही हैं तब भी आप अपने पैरों के नीचे दो तकिए लगा सकती हैं जिससे आपको काफी कुछ हद तक आराम मिलेगा। इसके अलावा आप अपने पैरों में गर्म नमक के पानी की सिकाई कर सकती हैं, मतलब गर्म पानी में आप नमक डालकर अपने पैरों को 20 से 25 मिनट के लिए लटका कर रखिए, इससे सिकाई करने से भी आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स मिलेगा। इसके अलावा नेक्स्ट है कि हो सकता है कि आपको पोटेशियम की कमी से भी पैरों में सूजन आ सकती है, तो आपको इस समय पे मतलब गर्भावस्था के दौरान पोटेशियम वाली डाइट लेना चाहिए, तो ऐसे में आप हाई ब्लड प्रेशर और वाटर रिटेंशन की समस्या से ग्रसित हो सकते हैं। ऐसे में आपको जितने भी हाई पोटेशियम वाली डाइट है उसको अपनाना चाहिए। जैसे जैसे आप अपने आहार में आलू, केला, अनार, पिस्ता, शक्करकंद, पालक, बीन्स, संतरे जैसी चीजों का इस्तेमाल करिए, इनमें बहुत ज्यादा पोटेशियम होता है जिसके कारण भी पैरों में सूजन कम होने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा आपको प्रेगनेंसी के दौरान हमेशा हाइड्रेट रहना है। पैरों की सूजन को कम करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की कोशिश करिए। आपको दिन भर में एटलीस्ट 8 से 10 ग्लास पानी तो पीना ही है। जितना अधिक पानी आप प्रेगनेंसी के दौरान पीती हैं तो जो पैरों की सूजन है उसमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है आपके पानी पीने से। इसके अलावा जितना हो सके आपको कैफीन के इस्तेमाल से बचना चाहिए, कैफीन से दूर रहना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि ज्यादा कैफीन का यूज करने से बार बार आपको यूरिन आने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा आपको प्रेगनेंसी के दौरान अपने भोजन में एक्स्ट्रा नमक और एक्स्ट्रा शुगर लेने से बचना चाहिए, अननेसेसरी अनहेल्दी डाइट से बचना चाहिए, बाहर की चीजें नहीं खानी चाहिए और ऐसी चीजें नहीं खाना है जो तली हुई हों, क्योंकि जो तली हुई चीजें होती हैं उनमें बहुत ज्यादा ऑयल होता है और ये अननेसेसरी आपका पेट भी भर देते हैं और आपको एनर्जी या फिर जितने भी पोषक तत्व हैं वो भी नहीं मिलते हैं। आपको प्रेगनेंसी के दौरान अपने आयरन की जो कमी है उसको भी पूरा करना चाहिए, मतलब जो आपकी बॉडी है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आपको एक्स्ट्रा आयरन की जरूरत होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जो आपके गर्भ में शिशु पल रहा है उसको जो भी चीजें चाहिए आपसे, जितने भी पोषक तत्व चाहिए वो आपसे ले लेगा और आपकी बॉडी वीक हो जाएगी। और प्रेगनेंसी के दौरान हमारी बॉडी को ज्यादा खून बनाने की आवश्यकता होती है क्योंकि हमारे बच्चे को भी खून चाहिए होता है और हमें भी खून चाहिए होता है, इसीलिए हमें हमारी बॉडी में खून की कमी नहीं होने देना है। हमें ऐसी डाइट लेना है जिसमें भरपूर मात्रा में आयरन हो, इसलिए डॉक्टर्स हमको प्रेगनेंसी के दौरान जो आयरन सप्लीमेंट्स होते हैं टैबलेट फॉर्म में वो सजेस्ट करते हैं। जिनको बहुत ज्यादा ब्लड कम होता है उनको डॉक्टर्स आयरन सुक्रोज भी लगाते हैं समय समय पे, और इसीलिए आपकी जितनी भी तिमाही में, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान आप जितनी बार भी ब्लड टेस्ट करवाते हैं आपका एचबी जरूर उसमें चेक होता है। मैंने प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से टेस्ट
टेस्ट करना चाहिए, कौन कौन से टेस्ट जरूरी है, इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, तो चाहे आप उसको भी डीप में देख सकते हैं, अच्छे से देख के समझ सकते हैं। तो अभी अपन इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको एचबी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपके जो ब्लड का लेवल है, एचबी लेवल है, उसको बताता है। और प्रेगनेंसी के दौरान आपका खून जो होता है, आपका ब्लड जो होता है एचबी, वो बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको दूसरी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको प्रेगनेंसी के दौरान एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए, मतलब अपने रूटीन में एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की आदत डाल लीजिए। अपने डॉक्टर से परमिशन लेके आप प्रेगनेंसी में टहल सकती हैं, घूम सकती हैं, जितना अगर आपकी सिचुएशन नॉर्मल है, आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो आप अपने डॉक्टर से सजेशन लेके योगा भी स्टार्ट कर सकती हैं। मेडिटेशन आपको करना चाहिए, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो अब हम बात करेंगे कि कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आपको कौन से ऐसे सिम्टम है जो अपनी बॉडी में दिखने लगे, तो आप समझ जाइए कि अब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जब पैरों में सूजन आती है तब, तो सबसे पहले अगर पैरों में सूजन आ रही है, इस दौरान अगर आपको बहुत ज्यादा सिर में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, या फिर आपकी आंखों के सामने धुंधलापन आ रहा है, या फिर आपका जी मिचला रहा है बार बार, इसके अलावा सांस का फूलना, यूरिन का कम आना, सीने में दर्द होना, या फिर आपको कोई दूसरी ऐसी समस्या दिख रही है जो पहले आपको नहीं हुई है, तो आपको जल्द से जल्द अपने जो गायनेकोलॉजिस्ट है, मतलब जो आपकी डॉक्टर है, उनसे सजेशन लेना चाहिए। हमेशा आप अपने लिए डॉक्टर ऐसा सजेस्ट करें जो आपके पहुंच में हो, मतलब आपके नियर बाय हो। जब भी आपको ऐसी सिचुएशन हो, ऐसी परेशानी हो, तो आप उनके पास जा सके, अपनी परेशानियां बता सके। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी होने वाली मॉमीज को प्रेगनेंसी के दौरान कोई दूसरी समस्या हो रही है, या पैरों में सूजन आ रही है, या मन में कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप बेहिचक मुझसे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो प्लीज नीचे दिए हुए बेल बटन पे प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे मैं जितनी भी न्यू हेल्थ रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ, खासकर हमारी मॉमीज के लिए, मतलब गर्भवती माताओं के लिए, उनकी नोटिफिकेशन आपको बिना किसी देरी के मिल पाए। और मेरे वीडियोस को प्लीज शेयर जरूर किया करिए, क्योंकि हो सकता है किसी जरूरतमंद जो हमारी मॉमीज हैं उनको मिले और उनके लिए मेरा ये वीडियो बेनिफिशियल हो। तो आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।